हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारिया नू। तुहाडा सारिया दा मेरे चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है जी आया नू जी। ते मेरी वीडियो बहुत दिनां तों नहीं आ रही। तुहानू पता सी मेरे जदों इत्थे सी अपने घर च अपने आप ही मतलब पेंट कर रहे सी, इस करके वीडियो नहीं आई है। वैसे भी हजे बहुत ज़्यादा खलारा पिया है, बहुत ज़्यादा खलारा है घर दे विच। हजे कोई प्रॉपर सैटिंग नहीं की, बस मोटा मोटा जिहा ही करिया। चलो जी, अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं आप। जे तुसी मेरे वीडियो च पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो, तो बैल आइकॉन का बटन भी प्रेस जरूर कर लियो, ताकि तुहानू आने वाली वीडियोज़ का जल्दी तो जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इतने आप सब्जियां लाइया सी, सर्दी दी सब्जियां। वैसे आप देखो जी, ला दित्तियां मूलियां ने, इधर हल्दी और पालक लाई, इधर धनिया सी, आह मेथी हजे उगी नहीं हैगी, धनिया उग गई ने, मेथी उग के भी दोबारा ये सड़ जाती, पता नहीं इनू की है। तो गाजर ये छोटा जहा साडा हैगा जी गार्डन, सब्जी इतने बीज दई दी होंगी है। तो तुहानू मैं दिखा दिया, तो आ देखो जी हजे मेरा खलारा बिल्कुल पिया है सारा, हजे मेरा खलारा सांभिया नहीं गया है, हजे पिया ही है। तो इधर मैं कबाड़ वगैरह कढ़ के रखता सी, एक साइड कोई कबाड़िए वाला आएगा तो वो दे देंगे। तो इधर मैं मोटा मोटा जहा हजे सारा खलारा चकता सी, देखो जी बाहरों हजे तुहानू साफ ही लग रहा, पर हजे फर्श वगैरह धोना है, वो मैं हजे प्रॉपर सैटिंग ता नहीं करी हैगी। तो वैसे भी कुछ टाइम नहीं लगे, तो कुछ इतने मैं पोचा फेरना, मैं क्या जो इतने पोचा फेरेंगे फिर पहला उन्होंने धो धो के सारे कमरे चो, सारा कमरे तो इधर सारा बेड़ा जरा पक्का है, आपां वो धो लाँगे धो के, तो उस तो बाद फिर आप इधर पोचा फेरेंगे, मिट्टी फेरेंगे, गोहे तो मिट्टी रला के फेरेंगे हुण। तो फिर नहीं तो मिट्टी उड़ उड़ के अंदर जाई जाती है। तो वैसे भी हजे किचन का खलारा भी बहुत ज़्यादा पिया है। तो इधर भी मैं एवें थोड़ी जी बस मोटी मोटी जी सैटिंग करी, कोई ज़्यादा खास हजे सैटिंग नहीं हुई हैगी। तो इतने जोड़ा कूलर वगैरह पिया से आप भी चकता है, उधर रखता से। तो ये सैकल जोड़ा ये भी आप दुकान पर देके आना, मैं कहती सी मम्मी नूं ठीक करवा दो, मैं चलवा ला करांगी, तो इस करके इतने पिया होया हजे। तो आ देखो जी साडा पेंट, इतने पेंट तुहानू मैक ने पिछे एक दो वीडियो च दसिया ही सी टैक्सट डिजाइन, तो मैक के पापा ने करिया, ये खुद आप ही कर लेंगे ने। तो इस करके फिर इन्हों काम पर भी जाना जरूरी सी, क्योंकि होर भी तुहानू पता ही अजकल दिवाली का सीजन चलता है, त्यौहार आने वाले ने, तो इस करके लोग भी करवाते हैं। तो हजे उ हुंदा ना जदों मतलब घर का जिहड़ा कोई भी, चाहे घर दे विच कोई मिस्त्री है तो उन्हां दा घर दा अद्धा काम रह ही जांदा हुंदा, तो बाहर का काम सुधार लैंदे ने। तो साडा भी आही हजे इधरों करना कलर, आ देखो वैसे आ मोटी मोटी मैं तुहानू दस्सिया ना सैटिंग कर ही लई सी, फिलहाल एक बार क्लीनिंग हो गई है, तो एक बार मैं फिर करांगी दोबारा तो सैटिंग करके चंगे तरीके, फिर मैं तुहानू इहदा अपने घर का हाउस टूर दिखावांगी। तो इस करके मैं छोटी जी वीडियो ही बनाई है, कोई ज़्यादा वीडियो नहीं अज मैं शेयर कर रही। तो फिर मेरे अगे तो डेली रूटीन जड़े भी मेरे ब्लॉग ने तो मैं शेयर जरूर करांगी। तो कुछ खलारा भी बहुत ज़्यादा पै गया सी, हजे कपड़े भी पाए ने, पेटी का कपड़ा भी तार के रखिया होया, तो दिखाया ही है पेटी का ट्रंका ट्रंक का सारा। इस कमरे की मैं सैटिंग दिखा दिया तुहानू, आ बैड आप इतने लाता सी, इधर सैटिंग इधर लाया होया सी पहला, तो हुण इधर लाता है, थल्लों भी प्रोपर साफ करन वाला, पूरा साफ नहीं करिया। तो अलमारी भी इधर चेंज करनी, सारा कुछ अजे फिलहाल अजे मोटा मोटा जिहा ही सैट किया, कोई ज़्यादा नहीं सैटिंग हुई। तो मैं क्या चलो एक बार तुहाडे नाल मैं थोड़ा जिहा वीडियो बना के तुहानू मैं शेयर कर दा। मेरे ब्लॉग भी दो चार दिन मैंने लगता हफ्ता हफ्ता ही हो गया नहीं ब्लॉग तुहाडे नाल मैं शेयर करे अपना। तो हुण मेरा ब्लॉग अगे हुण डेली आया करेगा, तो मौसम का बहुत सोहना फर्क हो गया, बहुत सोहनी ठंडी ठंडी हवा चलती हुण तो बाहर भी, तो वधिया लगता ठंडा ठंडा मौसम है। तो तुहानू पता ही है खेतों के विच तां काफ़ी मतलब होर भी ठंडी ठंडी हवा लगती है, क्योंकि बार बार
ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 4 1/4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਚੀਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਲੂ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਗਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਂਗਣ ਘੱਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਂਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਟ ਲਏ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਦਰਕ ਟਮਾਟਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੜਕਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੜਕਾ ਜੀ। ਤੜਕਾ ਲਾਤਾ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੜਕਾ ਮਤਲਬ ਜੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਿੱਟਤਾ। ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ, ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੇਖਣ 'ਚ। ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਖਾ ਲਵਾਂ ਰੋਟੀ, ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ, ਟੇਸਟੀ ਟੇਸਟੀ ਯੰਮੀ ਯੰਮੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਦੇ ਪਾਪਾ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੈਕੀ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਸਤੀ ਕਰੇਗਾ।
बस थोड़ी जी अगर वीडियो तो एंड तक जरूर वेखियो, जो वीडियो चंगी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, तो कमेंट करके जरूर दसना तो किमें लगी वीडियो। चलो जी मिलते हैं फिर किसी नवी वीडियो में, उदों तक दे सत श्री अकाल, हसते रहो, वसते रहो, खुश रहो, रब रखा जी।